हेलो माय लवली स्टूडेंट दिस मानसी वेलकम बैक टू दी चैनल वी लास्ट क्वेश्चन स्क्वायर मतलब अगर यहाँ पे किसकी बात हो रही है अच्छा दो स्क्वायर्स की बात हो रही है एंड उनके एरिया का सम बोला जैसे अगर ये स्क्वायर वन है इसका एरिया है ए एंड इसका एरिया है ए तो इनका दोनों का एरिया का सम इक्वल है फोर सिक्सटी एट मीटर स्क्वायर के ठीक है देन इफ द डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर पेरीमीटर की बात करें पहले स्क्वायर का पेरीमीटर हो गया पी वन एंड दूसरे का हो गया पी टू तो इनके बीच का जो डिफरेंस है दैट इज हाउ मच ट्वेंटी फोर मीटर क्लियर ये चीज अब हमें निकालना क्या है वी हैव टू फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर इसकी साइड निकालनी है और इसकी भी साइड निकालनी है सो so, स्टार्ट करते हैं लेट कर लेते हैं The side of square वन फर्स्ट स्क्वायर की साइड हमने ले ली x, ठीक है इसी तरीके से हमारे पास आ जाएगी साइड ऑफ स्क्वायर टू अब यहां पे सोचने वाली बात ये है कि इनके बीच का वो डायरेक्ट तो बताया नहीं है कि साइड्स का सम ये है साइड्स का डिफरेंस ये है साइड एक साइड दूसरी साइड के इतने टाइम से कुछ भी नहीं दे रखा हमें जो गिवन है वो है पेरीमीटर सो so, पेरीमीटर की हेल्प से हम कैसे निकालेंगे देखो ये मैं नीचे वाला ही अभी रब करती हूँ अभी के लिए सो so, जी सिंस हमें पेरीमीटर दे रखा है तो अगर हमने साइड ले ली स्क्वायर वन की एक्स है तो पेरीमीटर कितना होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है फोर इन टू साइड यहाँ पे साइड क्या है एक्स तो मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हमारा हो गया फोर एक्स ठीक है ये वहां पे पुट करें तो क्या मिलेगा ये हो गया फोर एक्स माइनस पेरीमीटर ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वेंटी फोर अब पेरीमीटर ऑफ सेकेंड उधर भेज देते हैं प्लस का हो जाए तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर आ गया हमारा पी टू ये साइड नहीं है ये है सेकेंड स्क्वायर का पेरीमीटर अब जैसे हमने साइड से पेरीमीटर निकाला उसी तरीके से स्क्वायर में से साइड निकालेंगे। कैसे? नो दैट पेरीमीटर का फॉर्म क्या होता है फोर इन टू साइड अब हमें यहाँ पे पेरीमीटर तो पता है फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर है साइड निकालने है, तो ये फोर यहां जो मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा सो दिस विल बी फोर एक्स माइनस ट्वेंटी फोर अपॉन में हो जाएगा फोर और ये मेरे पास आ जाएगी साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर यही चाहिए ना तो यहाँ पे फोर कॉमन ले लेते हैं इसको यहाँ लिख रही हूं मैं फोर कॉमन लिया तो ये आ जाएगा x माइनस फोर इंटू एट एज सॉरी फोर इंटू सिक्स एज ट्वेंटी फोर अपॉन में आ गया फोर फोर से फोर कैंसिल इक्वल किसके था ये साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर सो डायरेक्ट यहाँ से तो आ गया x माइनस सिक्स डायरेक्ट यहाँ पे लिख देती हूँ मैं साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस सिक्स फाइनल हमें यही दो चीजें निकालनी है साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक है x और एक है एक्स माइनस सिक्स बस इस x माइनस सिक्स के लिए हमने यहाँ पे दोनों पेरीमीटर यूज करें ठीक है अब हमें गिवन क्या था एरियाज की बात करी थी सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट का एरिया अच्छा एरिया का फॉर्मूला क्या होता है साइड स्क्वायर दैट मीन्स अगर मैं स्क्वायर वन की बात करूं तो इसकी जो साइड है उसका स्क्वायर कर दो मतलब एक्स स्क्वायर प्लस सेकेंड स्क्वायर की बात करें तो इसकी जो साइड है उसका स्क्वायर कर दो मतलब x तो माइनस मतलब सिक्स का स्क्वायर इक्वल है किसके इक्वल दे रखा था क्वेश्चन में 468 सिक्सटी की ठीक है अब यहां से अपनी क्वाड्रेटिक की इक्वेशन बनाते हैं x स्क्वायर एज इट इज प्लस यहां पे फॉर्मुला लगा देते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर का तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर थर्टी सिक्स हंड थर्टी सिक्स हो जाएगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी दिस इज इक्वल टू फोर सिक्सटी एट सो ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा देन वी हैव प्लस यहाँ पे है थर्टी सिक्स और ये हो जाएगा माइनस सिक्स टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व एक्स हो गया इक्वल्स टू फोर सिक्सटी एट इसको हम इधर ले आएंगे सो so, ये हमारा हो गया टू एक्स स्क्वायर प्लस अच्छा पहले माइनस वाला लिख लेते हैं सो माइनस टूवेल एक्स एंड यहाँ पे देख लो ये आदि इधर आके माइनस होगा मतलब साइन तो माइनस का आएगा 468 में से 36 यहीं पे माइनस कर लेती हूँ मैं 468 सिक्सटी एट माइनस थर्टी सिक्स तो ये जो एट माइनस सिक्स इज टू ये हो जाएगा सिक्स माइनस थ्री इज थ्री आ गया फोर थर्टी टू लेकिन माइनस का सो ये आ गया फोर थर्टी टू इक्वल्स टू जीरो अब यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अब हमें क्या करना है अच्छा इसमें से हमें टू कॉमन भी मिल जाएगा सो so इसको मैं नेक्स्ट पेज पर पे लेके चलती हूँ वी हैव हमारे पास है टू एक्स स्क्वायर माइनस पूरा देखना पड़ेगा यार टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस फोर थर्टी टू माइनस टूवेल्व एक्स माइनस फोर थर्टी टू इक्वल्स टू जीरो टू कॉमन लिया मैंने यहाँ पे ये बचा मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस आ गया टू वन सिक्स इक्वल्स टू टू दर्ज जाके जीरो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या आ गई एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू वन सिक्स इक्वल्स टू जीरो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मिलेटम स्प्रेड से कर लेते हैं टू वन सिक्स के फैक्टर्स चाहिए होंगे हमें टू से स्टार्ट करेंगे ये आ गया वन जीरो एट फिर से टू से करेंगे फाइव एंड फोर फिर से टू से करेंगे ये हो जाएगा टू सेवन थ्री से कर लेंगे ये हमारे पास आ जाएगा नाइन फिर से थ्री से थ्री थ्री एंड वन ठीक है फैक्टर्स बनाने हैं टू टू से फोर फोर थ्री अब ये तो आपको क्रॉस अपने आप ही बनाने पड़ेंगे कैसे कैसे बन सकते हैं थ्री जो नाइन नाइन एटीन थ्री टू जो सिक्स टूल्व ठीक है एक आया अच्छा एटीन और ट्वेल्व हमारे पास फैक्टर्स आ गए एटीन माइनस ट्वेल्व हमारे पास सिक्स होता है ना सो ये फैक्टर्स ले लेंगे ये हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस एटीन एक्स प्लस ट्वेल्व एक्स माइनस टू वन सिक्स इक्वल्स टू जीरो अब यहाँ पे कॉमन देखो एक्स कॉमन मिल जाएगा ये आ गया एक्स माइनस एटीन प्लस माइनस यहाँ पे हम माइनस माइनस कॉम लेने की जरूरत नहीं है प्लस 12 कॉमन ले लेंगे ये आ जाएगा एक्स माइनस एटीन अगेन इक्वल्स टू जीरो सो ये वी हैव एक्स प्लस ट्वेल्व एंड ये आ गया एक्स माइनस एटीन इक्वल्स टू जीरो सो यहाँ से आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू माइनस ट्वेल्व एक्स इक्वल्स टू एटीन अब एक्स क्या था साइड थी तो नेगेटिव तो नहीं हो सकती सो so हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई एटीन ठीक है एक्स की वैल्यू एटीन आ गई और मतलब दोनों की हमें निकाली थी तो एक की साइड तो आ गई कलर चेंज कर लेते हैं एक की साइड तो आ गई एंड से ये क्या होगा 18 -6, मतलब 12. यही हमें क्वेश्चन में निकालना था सो दिस वॉज क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री इसके साथ हमारी एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री तो होती है कंप्लीट एंड नाउ वील मूव टू आर लास्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज फोर पॉइंट फाइव फोर पॉइंट फोर एंड दैट टू इन दी नेक्स्ट सेशन सो एल सी यू इन दी नेक्स्ट सेशन एंड अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब दी चैनल वो बाय फोर नाउ